बाइबल में लिखा है सैमसन लड़कियों के साथ सोता रहा लेकिन फिर भी उसके जीवन से सामर्थ काम करती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अगर उसी समय उसे तनख्वाह नहीं मिली पाप की तो इसका मतलब ये नहीं तनख्वाह मिलेगी नहीं। परमेश्वर अच्छा पे करने वाला परमेश्वर अपने पड़ोसी को बोल दो। लोग बोलते हैं पाप परमेश्वर माफ करते हैं, कोई शक नहीं माफ करता है, लेकिन किसने कहा उस पाप का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा या उस पाप का आपको इफेक्ट नहीं होगा। बाइबल में एक जन बताओ जिसने पाप किया हो और उसका इफेक्ट उसकी जिंदगी में ना आया हो, जो सेवकों के खिलाफ बोला हो और उसका इफेक्ट उसकी जिंदगी में ना आया हो, जिसने व्यभिचार किया हो और उसका इफेक्ट उसकी जिंदगी में ना गया हो, एक भी नहीं। जब परमेश्वर का वचन कहते हैं पाप की मजदूरी मौत है तो आप कौन है बचने वाले। और लिखा अगर पापी अपना मन फिरा के परमेश्वर की ओर मुड़े तो उसके पापों को याद ना किया जाएगा और परमेश्वर उसे क्षमा करेंगे। लेकिन अगर धर्मी पाप करने लगे तो परमेश्वर जब उसे सजा देंगे तो लिखा उसका कोई भी धर्म का काम याद नहीं किया जाएगा। ये एक डेंजरस सच्चाई है बाइबल की, एक खतरनाक सच्चाई है, एक डराने वाली सच्चाई है बाइबल की। इसीलिए भजन संहिता में लिखा हुआ है डरते रहो और काम पाप मत करो और कांपते रहो और पाप मत करो। एक व्यक्ति रेवल्यूशन में आ जाए, रेवल्यूशन मतलब प्रकाश में आ जाए कि पाप उसकी जिंदगी से क्या छीन रहे हैं, सारी उम्र वो कभी पाप नहीं करेगा, वो सारी उम्र कभी ब्लू फिल्में नहीं देखेगा, वो कभी गलत रिलेशन नहीं रखेगा, वो कभी 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 पाप, अगर वो जान जाए कि ये पाप मेरी जिंदगी में क्या कर रहा है, अगर वो एक बार जान जाए, उसको रेवलेशन हो जाए, सिर्फ दिमागी जानना नहीं, उसको अंदर से प्रकाश हो जाए कि ये पाप मेरी जिंदगी में से क्या छीन रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो पाप की मजदूरी मौत है। फिर से कहो अपने पड़ोसी को, फिर से कहो, कहते रहो